से, और फेस देख रहे हो आप कितना लाल हो गया मेरा, गर्मी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब कि ज्यादा दूर नहीं, नजदीक ही जा रही हूँ कहीं। और मतलब कि यदि मेरे से वहां से कोई वीडियो बनेगी और या कोई और वीडियो बनेगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलो चलते हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। और अभी मैं जा रही थी और बाहर न बहुत गर्मी हो रही है, अंदर नहीं लग रहा था, हमारे कमरे इतने गर्म नहीं हैं। जब मैं बाहर निकली तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। यहाँ पे मैं जा रही थी और ये मैं पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँची हूँ कैंटीन, जो CHD कैंटीन होती है हम लोगों की, तो वहाँ मैं पहुँच गई थी। काफ़ी लोग थे, भीड़ लगी हुई थी, तो मैं साइड में बैठ गई। मैंने अपना जो वो होता है ना सामान का कोड नंबर लिखना पड़ता है, फिर पर्ची देनी पड़ती है अंदर, जो लिस्ट होती है वो अंदर मैंने दे दी अपने मतलब कार्ड के साथ। यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, लोग ले रहे थे एक एक करके, तो मैंने सोचा जब सब ले लेंगे, मतलब मेरे बाद भी आए लोग काफ़ी, लेकिन मैंने कहा जो मेरे से पहले आए वो ले लेंगे, उसके बाद में मेरा नाम आएगा ना अंदर से, तो फिर मैं तब ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और अब काफ़ी लोग चले गए थे, दो चार ही लोग बचे हुए थे। अभी कुछ कुछ लोग आ रहे थे, वैसे तो मैं 9 बजे निकल गई थी घर से, लेकिन मेरे जाने से पहले काफ़ी लोग, काफ़ी सारे लोग थे। और ये छोटी ही कैंटीन है, अब मैंने सामान ले लिया है, आप लोग देख रहे होंगे। अब इक्के दुक्के लोग बचे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सामान अब ले लिया है। और अब आ गई हूँ मैं कैंटीन से, और फेस देख रहे हो आप कितना लाल हो गया मेरा, गर्मी में ना, गर्मी मतलब गर्मी बहुत हो रही है बाहर, अंदर तो नहीं है उतनी, लेकिन बाहर बहुत हो रही है। और पैदल गई मैं, पैदल आई तो उस चक्कर में मेरा फेस बिल्कुल लाल हो गया। तो मतलब दूर भी ज़्यादा नहीं है, 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर जाना 1.5 आना काफ़ी होता है, 1.5 पौने 2 ऐसी होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी गर्मी में लगता है ना। तो अभी आ गई हूँ, अब तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला आप मुझे, क्या क्या मिला, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ ही लाई मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लाई मैं, ज़रूरत की चीज़ें ही लाई, नहाने का साबुन और ये निविया लाई, हर्पिक, कोलगेट, दंत कांति, सेंसोडाइन, सर्फ एक्सल, रिन, चाय पत्ती और ये ब्लैक मेहंदी है, नारियल का तेल है और रिन, ये रिन इसलिए लाई कभी जैसे मतलब कि चादर चुदर झाड़ वगैरह धोने के लिए, तो ये ज़रूरी होते हैं, तो ये लाई। और हाइड्रक्स भी ले आई, तो इतना ही सामान है और इतना ही चाहिए था मुझे। और कैंटीन में भी काफ़ी महंगा हो गया है सामान। और दोस्तों ये रात का है मेरा खाना होना, खाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर टहलती हूँ, क्योंकि आज मैं घूमने नहीं गई, सामान लेके आई, उसके बाद मतलब कि काफ़ी काम हो जाता है घर का, तो थोड़ा थकान भी हो ही जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा टहलती हूँ और मेरे पीछे ना यहाँ पे डॉगी रहते हैं जो, तो जैसे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे वो भी चल रहा मेरे साथ, मेरे आगे पीछे यहीं पर रहता वो, तो उसको लगता है मतलब कि हमारे घर में रहता वो, हमारे घर के आगे दो रहते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, अभी भी दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा, तो वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मेरा हो रहा है, घुमाई हो रही है मेरी, तो ये देखो ये मेरे जैसे ही मैं चल रही हूँ वैसे वो भी चल रहा आगे पीछे घूमता रहता है, और ऐसा दिख रहा था यहाँ पे शाम को। तो दोनों ये यहाँ पे देखो, ये दोनों के दोनों हमारे घर में मतलब घर के पास ही बैठे रहते हैं दोनों,
तो जब भी मतलब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं आते हैं तब कुछ ना कुछ उनको देते रहते हैं, फिर उन्हें भी हो ही जाता है ना। जानवर को, जानवर सबसे वफादार होते हैं डॉगी। तो यहाँ पे मैं रात को मैंने कहा थोड़ा सा मैं घूम के अब मैं घर के अंदर चले जाऊँगी, थोड़ा सा ही दो चार चक्कर, दो चार तो नहीं 8-10 तो लगाए थे मैंने। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।